श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। ये वेदवाणी के क्रम में आज का जो विषय चिंतन के लिए आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, शायद हम सभी मनुष्यों के लिए दैनिक व्यवहार के लिए अत्यंत योग्य, विचारणीय, चिंतनीय विषय विषय है परोपकार। सामान्य भाषा में जब हम परोपकार शब्द के अर्थ को समझते हैं तो पर उपकार अर्थात दूसरों का उपकार करने के लिए किए गए कर्म परोपकार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब सामान्य अर्थ देखते हैं तो मूलतः कई बार क्या होता है कि किसी भी एक शब्द का सामान्य रूप से बार बार एक ही अर्थ का प्रयोग होना वह उसका रूढ़ी अर्थ बन जाता है। लेकिन सही मायनों में जब वैदिक वांग्मय में उसके विस्तृत अर्थ को देखते हैं, जो उसका मूल अर्थ है, जो उस शब्द का मूल अभिप्राय है या उस शब्द की संरचना जहां से उत्पत्ति हुई है उसे हम देखते हैं, तो वह उसका विस्तृत यौगिक अर्थ होता है। परोपकार शब्द पर चर्चा जब हम करते हैं और सामान्य अर्थ या उसका रूढ़ी अर्थ देखते हैं तो रूढ़ी अर्थ में निकल कर के आया पर उपकार अर्थात दूसरों का उपकार करना। यहाँ ये सिद्ध नहीं हुआ या यहाँ ये बात निकल कर के नहीं आई कि मुझे उन दूसरों का उपकार करते समय किनका उपकार करना है, इस बारे में क्या स्वतंत्रता है जो परोपकार के अंतर्गत आती है। थोड़ा और सरल करके शब्द समझाने का प्रयास करता हूं। क्या मैं आश्रय देकर किसी अपराधी को संरक्षण देता हुआ उस पर परोपकार करता हूं? क्या मेरा अपराधी को संरक्षण देना परोपकार के कार्यों की श्रेणी में आता है? तो चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब भी चिंतन करने की आवश्यकता हो, विचार करने की आवश्यकता हो, कोई प्रश्न आए तो मुझे उसका उत्तर देव दयानंद के साहित्य में ही या वैदिक वांग्मय में या वेद वाणी से ही मिलता है। तो देव दयानंद परोपकार के संदर्भ में क्या लिखते हैं उस पर थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। देव दयानंद परोपकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, अपने सब सामर्थ्य से दूसरे सब प्राणियों को सुख होने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करना होता है वह परोपकार कहलाता है। लेकिन साथ ही साथ देव दयानंद स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में परोपकार को परिभाषित करते हुए, स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, जिससे मनुष्यों के दुराचार दुख छूटें, श्रेष्ठाचार सुख बढ़ें, उसके करने को परोपकार कहते हैं। ये जो परोपकार की परिभाषा क्रांतदर्शी देव दयानंद ने दी, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अपराधी को संरक्षण देना अपराध वृत्ति को बढ़ाना या आज के यदि मैं न्याय व्यवस्था में कहूँ, कानून के अंतर्गत कहूँ, तो मैं स्वयं अपराधी को संरक्षण दे करके उस अपराध के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता हूँ जिसे शायद आज के कानून में कहते हैं धारा 120 बी के तहत मैं भी स्वयं एक अपराधी हो जाता हूं। तो परोपकार किस लिए हुआ? तो देव दयानंद के शब्दों में हुआ,
जिससे मनुष्यों के दुराचार दुख छूटें, श्रेष्ठाचार सुख बढ़ें, उसके करने को परोपकार कहते हैं। इसके इतर कर्म परोपकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब एक और बात, आर्य समाज के नियमों में हम सभी के लिए मानने पालने योग्य जो नियम बतलाया और जिसे मुख्य प्रयोजन बताया, मुख्य उद्देश्य बताया, हमारे जीवन का प्राइम ऑब्जेक्टिव बतलाया, तो वह प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? संसार का उपकार करना हम सभी का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात हमें अपने जीवन में दूसरों के उपकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतने पर ही नहीं रुके, देव दयानंद एक और नियम में लिखते हैं आर्य समाज के, केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट मत होना, अपितु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना। ये परोपकार की परिभाषा को और अधिक व्यापक कर देता है। अर्थात हमें दूसरों की उन्नति में सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों के लिए उद्यत रहना चाहिए और उसी में ही अपनी उन्नति को समझना चाहिए। यदि मैं अपने किसी स्वार्थ के वशीभूत केवल अपनी उन्नति में ही उन्नति समझने लगता हूं, तो शायद मैंने परोपकार की परिभाषा को सही ढंग से भली भांति नहीं समझा है। और समझने के लिए आवश्यक हो जाता है अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। और आज के संदर्भ में यदि मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि हमें वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए और विशेष रूप से देव दयानंद द्वारा रचित साहित्य का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो इन वैदिक वांग्मय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का हम योगिक अर्थ समझ पाते हैं। और जब जान पाते हैं तभी मान पाते हैं, मान पाते हैं तो कह पाते हैं, कह पाते हैं तो अपने जीवन में भी धारण करने में सक्षम हो पाते हैं। इतना ही नहीं, मैं एक बात और कह दूं कि यज्ञ हम कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ जिसे ऋषियों ने दैनिक नित्य प्रति का कार्य, आवश्यक कार्य बतलाया कि हम मनुष्यों को दैनिक नित्य प्रति जो कर्म करने चाहिए उनमें यज्ञ कहा। लेकिन केवल मात्र अग्निहोत्र को ही यज्ञ समझ लेना, वो भी पुनः रूढ़ी और यौगिक अर्थों की तरफ हम जाएंगे, कभी विशेष रूप से यज्ञ को परिभाषित करूंगा तो उस पर मैं इस पर चिंतन दूंगा। लेकिन यहां मैं यज्ञ की परिभाषा उसके यौगिक अर्थ में देते हुए एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। देव दयानंद यज्ञ को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं? अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, अर्थात सभी प्रकार के कर्म कांडों को समाहित कर लिया। फिर कहा, वा जो शिल्प व्यवहार व पदार्थ विज्ञान है, अर्थात इस सृष्टि में होने वाले समस्त प्रकार के कार्यों को भी इसमें समाहित कर लिया, जो भी विज्ञान है उन कार्यों के पीछे उसे भी साथ में शामिल कर। लेकिन अंत में कितनी सुंदर दिशा दी है, चिंतन करने के योग्य है। और जो दूसरों के उपकार के लिए होता है उसे देव दयानंद ने कहा कि मैं यज्ञ कहता हूं। अब आप देखेंगे कि यज्ञ का यदि कोई समानार्थक शब्द हम सामान्य मनुष्यों के आसानी से समझने के लिए निकल करके आता है तो वह है परोपकार। इतना समझने के बाद हम एक बात समझें कि परोपकार का प्रत्येक कार्य
यज्ञीय कार्यों की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, योगेश्वर कृष्ण ने जब विषाद में फंसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पूर्व समझाते हुए, कर्तव्य कर्म के निर्वहन की प्रेरणा देते हुए, अधर्म का नाश करने की प्रेरणा देते हुए, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए जो ज्ञान दिया, उस गीता ज्ञान में क्या लिखा? मैं विस्तार में कर्मयोग की व्याख्या में नहीं जाता हूं, फिर किसी दिन, लेकिन आज एक वाक्य उसमें से लूंगा। निष्काम भाव से किया गया परोपकार का कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। अर्थात हम मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है निष्काम भाव से किया गया परोपकार का यज्ञीय कार्य। अर्थात हम मनुष्यों को अपने जीवन में परोपकार का यज्ञीय कार्य करना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है कि मैं दूसरों का ही उपकार करता रहूं, आखिर इसमें मुझे क्या लाभ होने वाला है? हम बहुत स्वार्थी हैं, निष्काम भाव से भी कहा ना, तो भी मन के किसी कोने में, दिमाग के पिछले हिस्से में एक बात रहती है कि अरे मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरे लिए कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैं ये क्यों करूं। तो उसकी प्रेरणा देने के लिए भी एक बात कह देता हूं, मैं मनुष्य के रूप में स्वतंत्र करता हूं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, मैं करूं ना करूं या अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करूं। इसीलिए चूंकि मैं अपने द्वारा संपादित प्रत्येक कर्म का स्वतंत्र करता हूं, इसीलिए अपने द्वारा संपादित कर्मों का ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में दंड या पुरस्कार का भोगता भी मैं हूं। इससे निकल करके आया, यदि मैं जीवन में परोपकार के यज्ञीय कार्य करूंगा, तो एक बात तय मान लीजिए कि परोपकार के यज्ञीय कार्य करने के उपरांत वह परम पिता परमेश्वर न्यायकर्ता अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए मुझे अच्छी किस्मत, प्रारब्ध या नियति प्रदान करेंगे और मेरी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और अंततः मैं ईश्वर के आनंद में निमग्न होकर के उस आनंद सुख को प्राप्त कर पाऊंगा। ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकल कर क्या है। अब वेद वाणी की बात करें, हमने इस सब का स्रोत वेद को, जो ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वरीय वाणी है, उसको माना। तो वेद में क्या आता है? तो ऋग्वेद में परोपकार के लिए आदेश देते हुए वेद भगवान ने कहा, यजध्वम हविषा तना गिरा, अर्थात हे मनुष्यो, तन मन और धन से यज्ञ अर्थात परोपकार के कार्य किया करो और इस यज्ञ को अपने जीवन में स्थापित करते हुए यज्ञमय बना लो। देव दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी लिखा, स्वध्या परिहिता, अर्थात अपने शुभ पदार्थों और गुणों को धारण करते हुए मनुष्य को सब प्रकार से सबका हितकारक होना चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहकर के वाणी को विराम देता हूं कि तीसरे सम्मुलास में सत्यार्थ प्रकाश के देव दयानंद लिखते हैं, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारहा, अर्थात वह मनुष्य धन्य है जो परोपकार के मानव धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। इस सब से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए यज्ञ अर्थात परोपकार के कर्मों को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। संसार के उपकार को हमें अपना मुख्य उद्देश्य समझना चाहिए। अपनी उन्नति में उन्नति ना समझ करके सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आइए हम चिंतन करें और जीवन में परोपकार को एक अपना मुख्य उद्देश्य बनाएं। ओम इति शम। धन्यवाद।